लखीमपुर नरसंहार के सभी अभियुक्तों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग को लेकर शिवसेना के जिला प्रमुख डॉक्टर रामेश्वर दयाल त्रेहा के नेतृत्व में भारी संख्या में शिव सैनिकों द्वारा गांधी मूर्ति सिविल लाइन पर एक दिवसीय भूख हड़ताल कर एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा। भेजे गए ज्ञापन में मांग की गई कि लखीमपुर नरसंहार के सभी अभियुक्तों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को तत्काल बर्खास्त किया जाए, तीनों काले कृषि बिल तत्काल वापस लिए जाए, किसानों की सभी मांगे पूरी कर पूरे देश में चल रहे धरनों को तत्काल समाप्त कराया जाए, किसान आंदोलन में शहीद हुए सभी किसानों को शहीद का दर्जा देकर मृतक आश्रितों को एक एक सरकारी नौकरी व 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, आंदोलन कर रहे किसानों पर लगाए गए सभी मुकदमे तत्काल वापस किए जाएं, एक दिवसीय भूख हड़ताल पर मुख्य रूप से भवानी सेना की जिला अध्यक्षा मंजू राठौर, युवा जिला प्रमुख अंकित ठाकुर, व्यापार सेना जिला प्रमुख राकेश श्रीवास्तव, अनुसूचित मोर्चा सेना जिला प्रमुख प्रमोद सागर, जिला महासचिव राम अवतार सागर, सोनू प्रजापति, मोहित ठाकुर, टीटू कश्यप, डॉक्टर प्रकाश बिश्नोई, विजय सेठ, राधेश्याम सैनी, राहुल सागर, राहुल सक्सेना, सीमा प्रजापति, बबीता सैनी, अंजलि चंद्रा, पूजा सैनी, राकेश कश्यप आदि लोग मौजूद रहे। जी तो जी, क्या मामला आज क्या है? आज शिव सैनिक कंपनी बाग गांधी मूर्ति पर लखीमपुर खीरी हत्याकांड के भोग में किसानों के समर्थन में एक दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठे हैं। याद हो कि किसान तीनों काले कृषि बिल वापस लेने हेतु लगभग 10 महीने से आंदोलनरत हैं और लखीमपुर खीरी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टैनी के लड़के द्वारा आंदोलन पर बैठे किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी, जिसमें 4 किसानों की हत्या हो गई। शिव सैनिक मांग करते हैं कि सभी हत्यारोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की जाए और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टैनी को बर्खास्त किया जाए और तीनों कृषि काले कानून वापस लिए जाएं और जो भी आंदोलन में किसान शहीद हुए हैं उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए और उनके परिवार को 1 नौकरी व 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। तो शिव सैनिक किस प्रकार धरने बैठे हैं? आज भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, एक दिवसीय भूख हड़ताल पर। अगर शीघ्र ही हमारी मांगें पूरी नहीं की गई तो शिव सैनिक भी लखीमपुर के लिए कूच करेंगे।